नमस्कार जय श्री राम ट्रेवल मस्ती यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों ये वीडियो झारखंड के सिमडेगा ज़िला का है और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये वीडियो जो आप देख रहे हैं ये वीडियो हमारे मित्र अनुराग गुप्ता जी ने प्रोवाइड कराया है क्योंकि अनुराग गुप्ता जी एक यूट्यूबर हैं और वो झारखंड के सिमडेगा ज़िला से बिलोंग करते हैं और यहाँ पे बहुत साल पहले हम लोग यहाँ पे गए हुए थे और यहाँ पे जो है ऊंचाइयों पर मतलब पहाड़ियों के ऊंचाइयों पर राम रेखा धाम यहाँ पे है ऐसा कहा जाता है कि युग में भगवान राम माता सीता और लक्ष्मण जी यहाँ पे कुछ टाइम के लिए ठहरे हुए थे उस वक्त में यहाँ पे भगवान राम का चिन्ह है माता सीता का रसोई है और लक्ष्मण का गर्म कुंड मतलब जहाँ पे आग जलाया करते थे वो कुंड भी यहाँ पे मौजूद है और यहाँ पे एक शंख रखा हुआ है जो कि राम नाम का ध्वनि हालाँकि इस शंख को हर किसी को छूने के लिए नहीं दिया जाता है लेकिन हम मैं और हमारा टीम जो गए हुए थे तो हमें यहाँ के जो पुजारियों ने हमें दिया कि आप खुद ही देख सकते हैं सुन सकते हैं तो मैं भी उस वक्त में सुन रहा था और हमारी टीम के कुछ लोग थे वो भी ट्राई किए इसको तो वाकई में इस तरह का होता है तो ये जो मेला आप देख रहे हैं रामरेखा धाम का ये जो मेला है सिमडेगा ज़िला का झारखंड का सिमडेगा ज़िला का ये तो हमारे मित्र जो अनुराग गुप्ता जी हैं वो गए हुए थे मैं तो नहीं जा पाया क्योंकि मैं काम बहुत ज़्यादा था इस तरफ में और कुछ जरूरी वर्क होने की वजह से मैं उतना दूर नहीं जा पाया क्योंकि मैं खूंटी ज़िला में रहता हूं और खूंटी ज़िला और सिमडेगा ज़िला की दूरी 110 किलोमीटर लगभग है तो 110 किलोमीटर यहां से जाना और फिर सिमडेगा से रामरेखा धाम की दूरी कम से कम 30 किलोमीटर है मतलब कुल मिलाकर अगर जोड़ा जाए तो 140 किलोमीटर की दूरी है तो कुछ जरूरी काम होने की वजह से मैं नहीं जा पाया तो हमारे मित्र और यूट्यूबर अनुराग गुप्ता जी ने यह वीडियो प्रोवाइड कराया अनुराग गुप्ता जी भी एक यूट्यूबर हैं और उनका यूट्यूब का नाम रोड नॉक्स है उनका जो लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ आप जाके देख सकते हैं विस्तृत जानकारी उसमें आपको मिलेगी मैं एक छोटा सा वीडियो उन्होंने भेजा था तो मैं उसको ही बनाया हूँ और कुछ बहुत मैं बता देता हूँ बाकी का जो वीडियो होगा वो रोड नॉक्स में ये जो नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्सन में उनका लिंक उसमें आप देखिएगा जाके तो उसमें नया वीडियो भी आपको देखने को मिलेगा ये यूट्यूबर हैं वो भी घूमते रहते हैं तो आपको नया नया वीडियो आपको देखने को मिलेगा और बताते चले कि ये झारखंड के सिमडेगा जिला में स्थित है रामरेखा धाम और सिमडेगा से उत्तर दिशा की ओर आपको जाना होगा कम से कम तीस किलोमीटर और यहाँ पे मेले की बात करें तो मेला यहाँ पे एक साल में दो बार लगता है और काफ़ी भीड़ होती है एक बार होता है आपका माघ मेला हिंदी कैलेंडर के अनुसार से बता रहा हूँ माघ मेला और एक बार माघ माघ पूर्णिमा का मेला और दूसरा बार होता है कार्तिक पूर्णिमा का मेला तो ये वीडियो जो आप देख रहे हैं ये कार्तिक पूर्णिमा का मेला है और भीड़ काफ़ी होती है इतनी ज़बरदस्त भीड़ होती है कि आप यहाँ पे पांव भी नहीं रख सकते हैं हालांकि ये 2021 का वीडियो है अभी इस वक्त में काफ़ी भीड़ नहीं है कोविड नाइन्टीन की वजह से हो सकता है ये भीड़ इसमें मतलब कि प्रशासन के द्वारा मतलब नहीं लगाने दिया होगा या फिर गवर्नमेंट के द्वारा और यहाँ पे इतना सारा कुछ मिलता है मतलब घर का जो भी सामान हो या फिर सजाने का सामान हो और क्या कहते हैं कि वाद्य यंत्र हो या फिर और भी कुछ हो इस मेला में आपको उपलब्ध हो जाएगा इतना कुछ उपलब्ध होता है कि मैं आपको बता भी नहीं सकता हूँ क्योंकि अगर मैं सब कुछ को दिखाने लगा इतना लंबा चौड़ा तो फिर वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ और यहाँ पे भीड़ इतनी होती है झारखंड से ही नहीं उड़ीसा बिहार छत्तीसगढ़ से लोग यहाँ पे आते हैं झारखंड के ही लोग झारखंड के लोग तो आते ही आते हैं तो लेकिन इधर आपको सामने में छत्तीसगढ़ भी सटा हुआ है झारखंड और और भी जगह से लोग आते हैं मैं लगभग बीस साल पहले गया था रात के टाइम में उस वक्त मैं यूट्यूब में काम नहीं कर रहा था तो इतनी ज़बरदस्त भीड़ थी इतनी ज़बरदस्त भीड़ मुझे तो गाड़ी जो पार्क करने का कोई जगह भी नहीं मिल रहा था हालांकि पार्किंग का जगह उस समय उस वक्त भी था और पार्किंग पार्किंग का चार्ज भी हुआ करता था ये दस या बीस रुपये और इस बार जो है पार्किंग का चार्ज बढ़ा दिया गया था टू व्हीलर का पचास रुपये पचास रुपये चार्जेस जैसा कि आप देख रहे हैं टू व्हीलर का पचास रुपये चार्जेस रखा गया है और बड़ी गाड़ी का तो शायद सौ रुपये हो सकता है मैं नहीं गया था इसलिए मैं कन्फर्म नहीं बता रहा हूँ लेकिन जैसा ये रेट चार दिखाई दे रहा है उसके अनुसार से मैं बता रहा हूँ तो दोस्तों आप यदि कभी झारखंड आएँ तो सिमरेगा ज़िला का ये रामरेखा धाम जरूर आएँ क्योंकि लोगों का ऐसी मान्यता है और कहना है कि त्रेता युग में जो भगवान राम को चौदह साल के लिए बना वनवास हुआ था उस वक्त में भगवान राम और माता सीता और लक्ष्मण यहाँ पे कुछ टाइम के लिए रुके थे तो यहाँ पे आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा भगवान राम का जो पद चिन्ह है वो आपको देखने को मिलेगा माता सीता का रसोई है वो आपको देखने को मिलेगा लक्ष्मण का जो गर्म कुंड है वो आपको देखने को मिलेगा और यहाँ का माहौल बहुत ही अच्छा है बहुत ही सुंदर है यहाँ पे आपको एकदम खड़ी चढ़ाई चढ़ना पड़ेगा हालांकि उस उस वक्त पर रोड नहीं था लेकिन अब रोड बन गया है और यहाँ पे ऊंचाइयों एकदम पहाड़ की ऊंचाई के ऊपर है आपको बहुत ही मनोरम दृश्य नज़र आएगा एक तरफ पहाड़ है दूसरी ओर जंगल है और बीच में मंदिर है बहुत ही मनोरम दृश्य है आपका मन यहाँ पे बिल्कुल खुश हो जाएगा आपका मन मोह लेगा यहाँ का दृश्य जो है देख के ही आपका मिजाज और मन खुश हो जाएगा तो दोस्तों जब भी झारखंड आए तो सिमडेगा जिला का इस रामरेखा धाम में आप ज़रूर आएँ और यहाँ का पूजा भी करें आनंद उठाएँ माहौल को देखें बहुत ही बहुत ही अच्छा वातावरण है आपका मन और मिजाज खुश हो जाएगा तो दोस्तों यदि आप हमारे चैनल ट्रेवल मस्ती में नए हैं तो हमारा चैनल ट्रेवल मस्ती को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबाकर प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि मैं आ, दूसरी वीडियो कभी भी पब्लिश करूं तो सबसे पहले पहुंचे आप तक तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय श्री राम